गांव में मीना और राजू नाम के भाई बहन रहते थे। उस गांव में आए दिन चोरियां हो रही थी, पर गांव वाले चोर को पकड़ नहीं पा रहे होते। एक दिन राजू के घर भी चोरी हो जाती है, पर इस बार पैसों के साथ साथ उसकी बहन भी गायब होती है। भीमा भाई, मेरी बहन लापता है, सुबह से नहीं मिल रही। अब मैं क्या करूँगा, माँ पिताजी उसे मेरे भरोसे ही तो छोड़ के गए थे। राजू की रोने की आवाज सुनकर सब गांव वाले वहाँ आ जाते हैं। क्या कह रहे हो भाई, चलो अभी दरोगा को जाकर रबर लिखा आते हैं। भाई उसका क्या फायदा, कई लोगों ने कई बार तो रबर लिखा दी, क्या हुआ, चलो मुखिया जी के पास ही चलते हैं। फिर सब गांव वाले मिलकर गांव के मुखिया के पास जाते हैं और उसे सब बात बताते हैं। ये क्या कह रहे हो भाई, ये तो बहुत बुरा हुआ, तुम्हारी बहन कहाँ लापता हो गई? अरे भाइयों तुम परेशान मत हो, मैं आज ही एक खुफिया आदमी को उस चोर को पकड़ने के काम पर लगा दूंगा। फिर मुखिया एक जखीरा नाम के आदमी को रात में जासूसी करने को कहता है, ताकि चोर को पकड़ा जा सके और राजू की बहन कहाँ है ये पता लगाया जा सके। फिर रात होते ही जखीरा पहरा देने लगता है और वो देखता है कि एक आदमी मुखौटा लगाकर आता है और एक लाश फेंक कर जाने लगता है। जखीरा उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है। अरे रुक, कहाँ जाता है, ये लड़की कौन है जैसे तू यहाँ फेंक कर जा रहा था? रुक, अभी तुझे बताता हूँ। अरे मर गया, अरे छोड़ दो मुझे। अरे गांव वालों चलो जल्दी आओ, यही वो आदमी है जो चोर है, आओ सब भाइयों जल्दी से आओ। इतने में सब गांव वाले बाहर आ जाते हैं और उस चोर की लाठियों से पिटाई करने लगते हैं। अरे ये लाश तो मेरी बहन मीना की है। अरे चांडाल, तूने मेरी बहन के साथ क्या किया, तूने तो इसे मार ही दिया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे भाइयों मुझे मत मारो, मुझे नशे की आदत है, इसलिए मैं ये मुखौटा लगा कर चोरी करता था। उस दिन तुम्हारी बहन ने मुझे चोरी करते देख लिया था और तुम्हारी खूबसूरत बहन को देखकर मेरी नीयत खराब हो गई, इसलिए मैं उसको उठा के ले गया था। अरे तरिंदे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रुको राजू, इसको ऐसी सजा मिलनी चाहिए जिससे कोई और कभी किसी लड़की की तरफ बुरी नजर ना डाले। इसके दोनों हाथ काट डालो। हाँ हाँ ये सही कहा, जो औरत की इज्जत ना करे उसे यही सजा मिलनी चाहिए। अरे मर गया रे, मुझे माफ कर दो। पियक्कर कहीं के, काट दो इसके हाथ, काट दो इसके हाथ। फिर सब गांव वाले मिलकर उस चोर के दोनों हाथों को काट देते हैं। अरे मर गया रे, हाय बहुत दर्द हो रहा है, अरे मर गया रे, हाय। फिर वो हाथ कटा चोर भाग जाता है और घने जंगल तक पहुंचता पहुंचता मर जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर उस हाथ कटे चोर की लाश में जान आ जाती है। डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती है और वो चोर हैवान बन जाता है। तभी जंगल के रास्ते से एक आदमी गुजर रहा होता है, वो हैवान उसे मारकर उसके हाथों को काट कर अपने शरीर पर लगा लेता है। मेरे हाथ मुझे वापस मिल गए, गांव वालों तुमने मुझे बेरहमी से मारा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर वो भूत गांव वापस जाता है और एक औरत को पकड़ लेता है। सुंदर, बहुत सुंदर औरत हो, तुम चलो मेरे साथ मेरी रानी। अरे अरे मेरी पत्नी को क्यों पकड़ रखा है, छोड़ रे, ये मेरी ड्रीम गर्ल है भाई। हाँ जी मुझे बचा लीजिए, ये तो उसी आदमी का भूत है जिसने राजू की बहन मीना को मारा था, ये जिंदा कैसे हो गया जी? तुमने मुझे बहुत बुरी मौत दी, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अरे कैसे नहीं छोड़ेगा, छोड़ हमारी पत्नी को। ले छोड़ दिया, अब तुझे कहा।
पकड़ लेता हूँ। आजा, आजा। तभी वो हैवान भीमा के हाथों को भी काट कर अपने शरीर में लगा लेता है और फिर सब गांव वाले आ जाते हैं। वो सब उस चोर को हैवान बने देखकर बहुत डर जाते हैं। अब उसके चार हाथ हो चुके होते हैं। वो बहुत ही डरावना लग रहा होता है। अरे भाई राजू, ये तो वही चोर है जिसके हमने हाथ काटे थे। अरे ये भूत कैसे बन गया? अब तो इसमें बहुत शक्ति आ गई होगी। अब हम इसका सामना कैसे करेंगे? सब गांव वाले डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं और डर के मारे राजू के घर में घुस जाते हैं और हैवान राजू के घर का दरवाजा पीटने लगता है। अरे भूत राजू, दरवाजा खोल, मैं तुम सबके हाथों को काट कर अपने शरीर में जोड़ दूंगा और कई सारे हाथों वाला बन जाऊंगा, सबसे शक्तिशाली बन जाऊंगा और फिर तुम सबकी पत्नियां भी मेरी दासी होंगी। एक लड़की के लिए तुमने मेरे हाथों को काट कर मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था ना? अब गांव की कोई लड़की और औरत नहीं बचेगी। निकलो बाहर। अरे भाई राजू, हम इस हैवान का सामना नहीं कर सकते भाई। इसमें भूतिया ताकतें आ गई हैं। हम इस इंसान, इस हैवान का सामना कैसे करेंगे? राजू और सब गांव वाले बहुत डर जाते हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि अब इस हैवान से अपनी जान कैसे बचाई जाए। तभी हैवान राजू के घर का दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। अब कहाँ भागोगे? मैं बहुत भूखा हूँ, तुम सबको कच्चा ही खा जाऊंगा। अरे भाई राजू, ये हैवान तो हमारे सामने ही खड़ा है भाई, अब क्या करें? आप चिंता मत कीजिए, आप मेरे साथ आइए। फिर राजू और सब गांव वाले राजू के घर में बने मंदिर वाले कमरे में चले जाते हैं। वो हैवान भी उनके पीछे जाता है, लेकिन उस मंदिर वाले कमरे में जैसे ही वो जाने लगता है, उसके पैरों में आग लगने लगती है और वो पीछे हट जाता है। अरे ये क्या, बाहर निकलो, कमबख्त मारो, बाहर निकलो। वो गुस्से के मारे गुर्राने लगता है। कोई बात नहीं, सिर्फ तुम ही थोड़ी हो इस गांव में। इतना बोलकर वो और किसी का दरवाजा पीटने लगता है और दरवाजा तोड़कर अंदर चला जाता है और उसके हाथों को भी काट कर अपने शरीर में जोड़ लेता है। ये सब कुछ राजू अपने घर की खिड़की से देख रहा होता है। मैं अभी जाता हूँ इस हैवान को मारने, वैसे भी इसने मेरी बहन को बेमौत मार दिया, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। फिर राजू बाहर चला जाता है। तभी हैवान राजू की ओर आने लगता है। आओ राजू, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था, तुम्हारी ही वजह से मैं आज इस हालत में हूँ। फिर हैवान राजू की ओर बढ़ने ही लगता है कि उसकी बहन मीना का भूत वहाँ आ जाता है। तू मेरे भाई को मारेगा? फिर मीना राजू और उस हैवान के बीच में आकर खड़ी हो जाती है और उस हैवान का गला पकड़ लेती है और उसे जमीन पर गिरा देती है। तू मेरे भाई को मारेगा? नास पीटे, तेरा बेड़ा गर्क हो, तूने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार करके मुझे तो मार दिया, लेकिन मैं अपने भाई को तुझे हाथ तक नहीं लगाने दूंगी। फिर मीना उस हैवान को रोकने लगती है। अरे बेवकूफ लड़की, हट जा, छोड़ दे, मेरे कई हाथ है, ये देख, तू मेरा सामना नहीं कर पाएगी। सामना नहीं कर सकती, लेकिन तुझे कुछ देर रोक तो सकती ही। मेरा बहन, तुम वापस आ गए? भाई जाओ, मैं इस दुष्ट को रोके हुए हूँ, आप जाओ, आप जल्दी जाओ यहाँ से। अरे भाई, वो वापस नहीं आई है, वो मीना का भूत है जो बदला लेने आई है, अब जल्दी से चलो मेरे साथ। फिर मीना उस हैवान को रोकने की कोशिश करती है। तभी राजू भागकर मंदिर जाता है और बाबा को सारी बात बताता है। अरे बेटा,
उसने इतने लोगों के हाथों को अपने शरीर से जोड़ लिया तो वो बहुत शक्तिशाली हो गया है। अब हमें उसके उन्हीं हाथों को काटना होगा। तो ठीक है, अब जल्दी चलिए। बाबा, हम साधारण शस्त्र से उसके हाथों को काट नहीं सकते। उसके लिए माँ की तलवार लेनी होगी। सिर्फ माता की तलवार से ही उसके हाथों को काट कर उसे मारा जा सकता है। फिर बाबा राजू को माता की तलवार देते हैं और राजू उसे लेकर वापस गांव आता है। वहां उस हैवान और मीना के भूत की लड़ाई हो रही होती है। हैवान कहीं के, मैं आ गया, अब तू नहीं बचेगा, छोड़ मेरी बहन को। अरे ये क्या खिलौना लेकर आया है, रहने दे, मेरे हाथ न कट जाए इस खिलौने से। अभी बताता हूँ, रुक, तुझे इसकी शक्ति का एहसास नहीं है। फिर इतना बोलकर राजू जाता है और हैवान के हाथों को एक एक करके काटने लगता है। अरे नहीं, ये क्या कर रहा है, अरे मर गया।